ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? बाबा के पास क्यों आए हैं हम सब? देवता बनने, देवता बनने से पहले हम सब बाबा के पास आए हैं। आज भी बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए। और कर्मातीत कैसे बनेंगे? आज की मुरली में ही बाबा ने कहा है कर्मातीत कैसे बनेंगे? सारे बोझ बाबा को देकर कर्मातीत बन जाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब सारे बोझ तुम उठाओ, हम कर्मातीत। बाबा भी सोचते होंगे अच्छा है, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर। कर्मातीत कैसे बनेंगे? आज बाबा ने होमवर्क दिया था, है ना? बाबा ने कहा कर्मातीत वो बनेंगे जो कर्म योगी बनेंगे, क्योंकि कर्मातीत हमारी एक सबसे सुंदर श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें कर्म और कर्म के प्रभाव से मुक्त स्थिति है। बड़ी दादी जी ने भी धुन लगा दी थी ना, मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। ये हम सब के जीवन का ध्येय है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कर्म योगी बनना होगा। अभी ही अपने कर्मों में योग को शामिल करना होगा, जो आज बाबा ने कहा। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही कर्म किए जा रहे हैं, योग कर रहे हैं तो योग ही योग किए जा रहे हैं, दोनों का बैलेंस। और साथ ही अपने हर कर्म में योग को शामिल कर लें, क्योंकि बाबा ने कहा जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। कितनी गहरी और अंडरलाइन करने वाली बात है। कर्म हम भी कर रहे हैं और संसार वाले भी कर रहे हैं, राइट? जो कर्म हम करते हैं वही कर्म संसार वाले भी तो कर रहे हैं ना। वो भी जॉब करते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी घर के काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते, अंतर क्या है? अंतर क्या है? हम योग युक्त होकर करते हैं, वो योग मुक्त होकर करते हैं। और यदि हम भी योग युक्त होकर कर्म ना करें तो हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर कर्म हमें बांधते रहेंगे और हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बाप समान अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में जो श्रेष्ठ प्राप्तियां चाहते हैं, आध्यात्मिक प्राप्तियां, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब योगी जीवन वाले बन जाओ।